तनाव, मौसम में बदलाव, तेज धूप और नींद ना पूरी होने की वजह से माइग्रेन का दर्द कभी भी शुरू हो जाता है। इसके कारण सिर के आधे हिस्से में तेज दर्द होने लगता है, जिसे बर्दाश्त करना बेहद मुश्किल होता है। माइग्रेन दर्द सिर्फ दर्द तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि शरीर के दूसरे हिस्सों में भी महसूस हो सकता है। यहाँ तक कि आपका ये दर्द गर्दन तक भी पहुँच सकता है। तो चलिए आपको बताते हैं कि माइग्रेन के जो लक्षण हैं वो क्या होते हैं। सिर का लगातार तेजी से फड़फड़ाना, सुबह उठते ही सिर पर भारीपन और दर्द महसूस होना, उल्टी आना, सिर के एक ही हिस्से में लगातार दर्द रहना, आँखों में भारीपन महसूस होना, तेज रोशनी और आवाज़ में परेशानी होना, अचानक से कभी उदासी तो कभी खुशी आ जाना, अच्छे से नींद ना लेना। आपको बता दें कि माइग्रेन के कुछ घरेलू इलाज भी हैं, लेकिन इसके साथ ही माइग्रेन में खान पान का बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कि माइग्रेन के मरीजों को खट्टा फल, प्रोसेस फूड, अंडा, शराब, कैफीन, डेयरी उत्पाद जैसी चीज़ों से दूर रहना चाहिए। साथ ही उन्हें डाइट में मैग्नीशियम वाली फूड्स अधिक से अधिक लेने चाहिए। अगर घरेलू इलाज की बात करें तो दर्द महसूस होने पर कनपट्टी पर लेवेंडर ऑयल लगाएं या सूंघें। इसके अलावा नाक में 2 बूंद देसी घी डालने से भी माइग्रेन का दर्द दूर होता है। तेज स्मेल वाली चीज़ें, मौसम में बदलाव या बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस भी माइग्रेन को ट्रिगर कर सकता है। ऐसे में इनसे जितना हो सके बचने की कोशिश करें। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए बोल्ड स्काई को सब्सक्राइब करना ना भूलें।